भोलेनाथ की पवित्र नगरी काशी के इस सफर में आप सभी का स्वागत है। गंगा नदी के तट पर बसी नगरी काशी, इसे भारत की सबसे प्राचीन नगरियों में से एक माना जाता है। काशी को बनारस व वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। काशी हिंदू धर्म व अध्यात्म का केंद्र मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भोलेनाथ यहाँ रहने आए थे। हमारे काशी के सफर की शुरुआत हमने दशाश्वमेध घाट पर पवित्र गंगा स्नान के साथ की। दशाश्वमेध घाट काशी का सबसे मुख्य घाट माना जाता है। गंगा स्नान के बाद बारी है काशी के राजा बाबा विश्वनाथ के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की। अगर आप गंगा स्नान के तुरंत बाद श्री विश्वनाथ मंदिर जाना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा रास्ता है कि आप ललिता घाट होते हुए गंगा द्वार के थ्रू कॉरिडोर में प्रवेश करें। कॉरिडोर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको भारत माता की मूर्ति के दर्शन होते हैं। वहीं दूसरी तरफ संत आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति देखने मिलती है। इस मंदिर को विदेशी आक्रांताओं द्वारा बार बार तोड़ा गया, पर लगभग 1780 ईस्वी के आसपास इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इस मंदिर को पुनः स्थापित किया गया। कॉरिडोर में महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति भी देखने को मिलती है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भोलेनाथ के दर्शन के बाद हम नाव से बनारस के सभी घाटों को घूमने निकल पड़े, जिसके लिए हम दोबारा गंगा द्वार होते हुए ललिता घाट निकले। इसके बाद बारी थी काशी के कोतवाल माने जाने वाले श्री काल भैरव के दर्शन की। काशी में अपने पहले दिन की शाम को हम दोबारा पहुंचे दशाश्वमेध घाट शाम की गंगा आरती देखने। यहां लाखों की संख्या में भीड़ उपस्थित होती है। इस गंगा आरती का दृश्य सच में अद्भुत होता है। दूसरे दिन हमने अपने दिन की शुरुआत काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की। यहाँ अंदर आपको नया विश्वनाथ मंदिर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम पहुंच गए भगवान राम को समर्पित तुलसी मानस मंदिर के दर्शन को। माना जाता है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना यहीं की थी। इसके बाद ई रिक्शा की सवारी करते हुए हम लोग निकल गए सारनाथ की ओर। सारनाथ बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। यह वह जगह है जहां भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। यहां के स्तूप, बुद्ध भगवान की प्रतिमा व अशोक स्तंभ दर्शनीय हैं।
यहाँ का पूरा स्थान घूमने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। वापस लौटकर हम तुलसी घाट के सामने स्थित रामनगर का किला घूमने गए। रामनगर के किले में श्री वेद व्यास जी को समर्पित एक मंदिर स्थित है। इसके बाद हमने थोड़ा बनारस का मार्केट घूमा और बनारस खाने में जिन जिन चीजों के लिए प्रसिद्ध है उन उन चीजों का स्वाद लेने की कोशिश की, जिसमें पहले थी तुलसी वाली चाय, काशी चाट भंडार का टमाटर चाट, बनारस की ठंडई, पहलवान की फेमस लस्सी और बनारस का वर्ल्ड फेमस पान। बनारस के कुछ ऐसे भी घाट हैं जिनका अपना अलग महत्व है, जिनमें मुख्य है मणिकर्णिका घाट। आप चाहें तो शाम को इन घाटों को भी घूम सकते हैं। इस तरह से आप 2 दिन में आराम से पूरा बनारस घूम सकते हैं।